हेलो स्टूडेंट्स, बॉटनी बीएससी पार्ट वन के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नेविकुला पढ़ा, यानी कि जो क्लास बेसिलियोफाइसी का जो मेंबर है नेविकुला, उसको पढ़ा था और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। स्ट्रक्चर पढ़ा था और एक्यूरेंस पढ़ी थी और रिप्रोडक्शन का जो वेजिटेटिव मेथड है वो हमने पढ़ा था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय इसमें ऑक्सोस्पोर का निर्माण होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया था डिवीजन द्वारा किस प्रकार सेल्स बनती हैं, उनका साइज छोटा होता रहता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि जैसे फर्स्ट डायग्राम में हम देखें कि दो कंजुगेटिंग सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हुए हैं और जेलेटिनस कवर द्वारा वो कवर्ड हैं, जिसे हम पेरिटोनियम बोल रहे हैं, और जो जेलेटिनस शीथ है और उसके अंदर दो कंजुगेटिंग सेल्स हैं। दोनों कंजुगेटिंग सेल्स में सबसे पहला जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि वो डिवाइड होकर उसके अंदर जो न्यूक्लियस हैं वो दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होता है और दो न्यूक्लियाई बनाता है, उसके बाद फिर डिवाइड होकर चार न्यूक्लियाई बनाता है, जिनमें से हम देख रहे हैं कि दो तो फंक्शनल न्यूक्लियाई हैं और दो ही डीजनरेटिंग न्यूक्लियाई। चार न्यूक्लियस में से दो न्यूक्लियस फंक्शनल हैं और दो डीजनरेटिंग हैं, नॉन फंक्शनल हैं। अब क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस और थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म है वो मिलकर गैमीट्स बना लेते हैं, यानी कि यू उसका जो सेगमेंट उसके आसपास का प्रोटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस मिलकर गैमिट्स बना लिया। जो कंजुगेटिंग सेल्स थी उनके अंदर दो गैमिट्स का निर्माण हुआ। अब ये दोनों सेल्स इस प्रकार से कांटेक्ट करती हैं, फ्यूज होती हैं, जिससे कि दोनों सेल्स के जो गैमिट्स हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इसमें आइसोगैमी वाला प्रोसेस होता है, तो दोनों गैमिट्स फ्यूज हो जाते हैं। गैमिट्स फ्यूज होकर इस प्रकार से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं और जो फिस्टूल है वो इम्पटी रह जाता है, उसके बाहर का जो फिस्टूल है वो इम्पटी रह जाता है और इस प्रकार ऑक्सोस्पोर का निर्माण होता है और ऑक्सोस्पोर से नए थैलस का निर्माण होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस प्रकार से हमने देखा नेविकुला के केस में जायगोट द्वारा ऑक्सोस्पोर का निर्माण होना, और जायगोट का निर्माण दो गैमिट्स के फ्यूजन से होता है। गैमिट्स का निर्माण जो तो कंजुगेटिंग सेल्स हैं उनमें होता है, और जो कंजुगेटिंग सेल्स हैं वो पहले डिवाइड होकर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाती है, उसके बाद हैप्लॉइड गैमिट्स बनाती है और गैमिट्स फ्यूज होकर फिर से डिप्लॉइड जायगोट बनाता है। तो इस प्रकार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डायग्रामेटिकली इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके थ्योरीज में तो आपको बता दिया है, अब इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं। अगर हम डायटम्स में किसी भी डायटम्स नेविकुला की जैसे हम पढ़ रहे हैं लाइफ साइकिल को एक स्केच खींचें, तो इस प्रकार हमें रिप्रेजेंट करना होगा। बीच में लिखा है ये डायटम्स, डायटम से ऊपर की ओर हमें दिखाना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें ऑक्सोस्पोर द्वारा हो सकता है और सेल डिवीजन द्वारा होता है, इससे डायटम्स से हमें डायटम्स प्राप्त होता है डिप्लॉयड, और जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला हो तो मियोसिस होने से हैप्लॉयड गैमिट्स का निर्माण होता है और हैप्लॉयड गैमिट के फ्यूजन से डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण होता है, और ये जो डिप्लॉयड जायगोट हैं डिप्लॉयड ऑक्सोस्पोर बनाते हैं और ये ऑक्सोस्पोर से फिर से डिप्लॉयड डायटम्स के फिस्टूल का निर्माण होता है। इस प्रकार से इसमें इसकी जो लाइफ साइकिल है डायटम्स की इस प्रकार से लीड करती है। तो इस प्रकार नेविकुला में हमने इसका स्ट्रक्चर दोनों गर्डल व्यू और इसके वाल व्यू स्ट्रक्चर स्टडी किया, इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी किया
अधिक प्रकार डिवीजन द्वारा सेल का लगातार छोटे क्रिटिकल साइज से कम होना रिस्टोरेटिव प्रोसेस है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात किए और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। तो इस प्रकार हमने क्लास बेसिलर फार्सी के मेंबर डायटम्स की स्टडी की। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास लेके चलेंगे, हमने जो डिस्कस किए वो क्लास साइनोफाइसी क्लास डिस्कस हो चुके हैं और क्लास क्लोरोफाइसी डिस्कस हो चुका है और एक क्लास बेसिलरोफाइसी, यानी कि तीन क्लास डिस्कस हो चुके हैं जिसके हमने 6 और 2 8 और 1 9 9 एल्गी की टाइप स्टडी की, उनकी लाइफ साइकिल को पढ़ा। अब आगे क्लास हमारे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग दो क्लास पढ़ेंगे, एक दो क्लास पढ़ेंगे फियोफाइसी और एक क्लास पढ़ेंगे रोटोफाइसी। तो आज जो हम क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास फियोफाइसी, जिसकी एल्गी ब्राउन एल्गी कहलाती है। इसमें जो मेंबर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एक्टोकार्पस। ब्राउन एल्गी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एक्टोकार्पस, मैराइन एल्गी है। तो पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। एल्गी है, क्लास फियोफाइसी है, ऑर्डर इसका एक्टोकार्पेलीज बनता है और फैमिली एक्टोकार्पेसी, और जो मेंबर हमें पढ़ना है उसका नाम है एक्टोकार्पस। एल्गी, फियोफाइसी, एक्टोकार्पेलीज, एक्टोकार्पेसी एंड एक्टोकार्पस। अकुरेंस देखें, अगर अकुरेंस की बात करें, अकुरेंस और प्राप्ति स्थान की, तो एक्टोकार्पस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड होता है, यानी कि विशेष रूप से जो ठंडे समुद्री जो और ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनमें पाया जाता है। एक्टोकार्पस महासागर के समुद्र, जो एक्टोकार्पस कुछ स्पीशीज जो हैं वो महासागर के समुद्र तटों में काफ़ी मात्रा में पाए जा सकती हैं। एक्टोकार्पस समुद्री शैवालों से जुड़ा पाया जा सकता है, यानी कि ऐसी कंडीशन जो और दूसरे एल्गी के ऊपर पाया जाता है हम एपिफिटिक कंडीशन बोलते हैं, जैसे मतलब एपिफिटिक में एक्टोकार्पस कोनीफेरस है जो फ्यूकस लेमिनेरिया पर उगते हैं, एक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस है और एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस है जो एक तरीके से एपिजोइक स्पीशीज है, जो वो जो फिश होती है उसके फिन्स पर उगता है, इसे बोलेंगे। अगर कोई भी एल्गी प्लांट एनिमल के ऊपर हो तो एपिजोइक कंडीशन बोलेंगे। तो ये एनिमल्स के मतलब फिन्स पर उगने वाले कंडीशन है एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस की। तो अकुरेंस में ये हुआ कि ये मैराइन एल्गी हुई, ठंडे जलों में पाए जाने वाली है। अब देखते हैं इसके थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसका जो थैलस स्ट्रक्चर होता है टिपिकली हिट्रोट्राइकस होता है। हिट्रोट्राइकस से मतलब इसमें दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, दो प्रकार के फिलामेंट सिस्टम पाए जाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो ज़मीन के सहारे ग्रो करता है जिसे हम प्रोस्टेट सिस्टम बोल सकते हैं, प्रोस्टेट सिस्टम बोल सकते हैं, और एक ऊपर की ओर ग्रो करता है हम इरेक्ट सिस्टम बोलते हैं। लेकिन जब एक ही थैलस में दो प्रकार के सिस्टम तंतु पाए जाएं तो ऐसी कंडीशन विषम तंतु की कहलाती है, यानी कि हिट्रोट्राइकस कहलाती है। तो जो एक्टोकार्पस का थैलस होता है वो हिट्रोट्राइकस होता है। और एक्टोकार्पस की अधिकांश जातियों में थैलस बिरल व सघन रूप से ब्रांच्ड होता है, यानी कि जो ब्रांचिंग हो सकती हैं डेंस हो सकते हैं, जो सिरे से सिरे कतार में जुड़ी रहती हैं। राइजोट्स पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका थैलस स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एक्टोकार्पस का जो थैलस स्ट्रक्चर दिखाई देगा उस प्रकार से दिखाई देते हैं, इसे ब्रांच सिस्टम दिखाई देगा। एक्टोकार्पस ये किसी सबस्ट्रेटम पर लगे हुए हैं इस प्रकार। अब इसका हम एक सेल स्ट्रक्चर को देखें, कोशिका की संरचना देखें, कोशिका की संरचना यदि हम इसकी देखें तो सेल सामान्यतः आयताकार यूनिन्यूक्लेट होती हैं तथा जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल वैक्यूल के क्षेत्र में प्रोटोप्लाज्म के फिलामेंट में सस्पेंडेड रहता है। सेल्स में कुछ पेरिफेरल स्ट्रिप्स पत्तियां हैं जैसे एक्टोकार्पस सिलिकुलर्स में होती हैं, अथवा अनेक डिस्क के आकार के क्रोमेटोफोर्स होते हैं जैसे एक्टोकार्पस ग्रैनुलोसस में होते हैं। क्रोमेटोफोर्स में क्लोरोफिल के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में जैंथोफिल भी पाए जाते हैं
और इसकी जो प्रत्येक सेल है, सेल में पाइरेनोइड जैसे पिंडों के साथ साथ, मतलब इसकी जो जो डिस्क है, क्लोरोप्लास्ट है, उसमें पाइरेनोइड भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है के साथ बड़ी संख्या में फ्यूकोसिन के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कि जो इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल फ्यूकोसिन होता है। संचित भोज्य पदार्थ जो होता है वो इसमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो लेमिनेरिन होता है और मैनिटोल। ये भी इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि जो उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो लेमिनेरिन तथा मैनिटोल के रूप में होता है। सेल वॉल दो लेयर में होती है, सेल वॉल जो होती है उसकी दो लेयर में अरेंज होती है। जो अंदर वाली लेयर है वो तो सेलुलोज की बनी होगी, और जो बाहर वाली लेयर जो है वो होती है जिलेटिनस पदार्थ की बनी होती है, वो जिलेटिनस लेयर होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो जिलेटिनस लेयर होती है उसके अंदर एल्जिनिक एसिड होता है, उसके अंदर एल्जिनिक एसिड होता है। तो इस प्रकार इसका ये सेल स्ट्रक्चर हुआ, सेल स्ट्रक्चर इस प्रकार दिखाई देता है। देखिए यह सेल वॉल है दो लेयर की बनी हुई, अंदर साइटोप्लाज्म है और ये क्रोमेटोफोर्स हैं, क्रोमेटोफोर इरेगुलर दिखाई दे रहे हैं, और उसके अंदर ये पाइरेनोइड है, और बीच में न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। एक सेल स्ट्रक्चर इस प्रकार देगा, सेल वॉल दो लेयर की बनी हुई, अंदर वाली जो लेयर वो सेलुलोज की होगी, बाहर वाली जो है वो जिलेटिनस पदार्थ की होगी, जिसमें फ्यूकोडीन होता है, उसका कंपोजिशन फ्यूकोडीन होता है, एल्जिनिक एसिड फिकोडिन होता है, और इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो लेमिनिन तथा मैनिटोल के रूप में होता है। तो एक सेल का स्ट्रक्चर इस प्रकार दिखाई देता है। सेल क्या है, वो आयताकार है, यूनिन्यूक्लिएट है, क्रोमेटोफोर डिस्क के आकार के क्रोमेटोफोर्स हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं, और इसमें जेंथोफिल भी होता है, क्लोरोफिल के साथ जेंथोफिल भी होता है। तो इसका एक सेल स्ट्रक्चर निम्न प्रकार दिखाई देता है, पूरी सेल अगर हम पूरा थैलस यूँ दिखाई देगा और एक सेल को देखें तो इस प्रकार दिखाई देगा।